बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज ही सुबह हो चुकी है, नई सुबह, आज हफ्ते का दिन है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि आज सुबह सवेरे होते ही सूरज माशाल्लाह से निकल आया। तो मैंने कहा आज काफ़ी दिन हो गए इस तरह के सूरज का दीदार आप सबको नहीं करवाया, तो मैंने कहा अभी चलें जल्दी से सुबह ही वीडियो बनाएं और सबके साथ शेयर करें कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास सूरज जो है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से जोश खरोश से निकल रहा है। पहले तो था ना कि हाँ जी, मैंने कहा आज तो मिठाइयाँ बांटनी, हाँ जी आज मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, आज ना सारे हर तरफ आप मिठाइयाँ बांट दें। तो माशाल्लाह आज जोश खरोश से निकल रहा है क्योंकि पहले जब भी निकलता था थोड़ा बहुत कभी कभी निकलता था और कल तो 8 दिन के बाद निकला था। तो आज माशाल्लाह इंशाल्लाह भी अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में सूरज जो है वो इसी जोश खरोश से निकलेगा। सुबह का टाइम है, मैं फ़िलहाल जो है अपने बर्तन धो रही हूँ, तो बर्तन धोने के बाद हम तैयारी करेंगे अपने नाश्ते की और फजर को भेजेंगे स्कूल। मोहम्मद सुबहान अपनी तैयारी करके जो वो बाहर निकल चुका है, तो वो मुझे भी बता रहे हैं कि अम्मी सूरज निकल आया। मेरे का अच्छा, मैं पहले देख चुकी हूँ, जब वो निकला है ना तो फौरन इधर अम्मी जल्दी आ जल्दी, मैं आई सूरज निकल आया। मैंने कहा चले ठीक हो गया, मैं देख चुकी हूँ सूरज, यानी कि आज बच्चे जो है ना वो भी खुश हो रहे हैं कि सूरज निकल आया। तो अभी जी मैं कर रही हूँ सफाई बर्तन धोने के बाद। पहले जो है नहीं करती थी, खाना नाश्ता वगैरह बनाने के बाद करती थी, लेकिन आज माशाल्लाह से सूरज जो है वो निकल आया है, तो मैंने कहा चले पहले सफाई करते हैं और उसके बाद जो है खाना जो है वो बनाएंगे। फजर जो है वो इतना ज़्यादा नाश्ते में नहीं लेती, अभी मैं उसके लिए ब्रेड वगैरह बना दूँगी और साथ में अंडा पराठा जल्दी जल्दी से। उनका झाड़ू लगाते हैं सुबह सुबह, धूप में सेहन जो है वो साफ पड़ा तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने अंदर से भी सारे घर की जो सफाई है वो भी कर दी और बाहर से भी हमारा सेहन जो है वो साफ़ हो चुका है। ये अलग बात है कि अभी मुर्गियाँ जो है ना वो उन्होंने थोड़ी देर बाद विट 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 कर देनी। तारिक साहब जो है ना वो कहते हैं पहले आप मेरे कबूतरों को पीछे लगी रही हो, अभी इनके पीछे लगी हूँ। इंशाल्लाह जी कबूतर भी हम वापस ले आएंगे, थोड़े दिनों की बात है हम उनकी जगह बना ले तो फिर। और मुर्गियाँ जो है ना इनका तो एक एक का मैंने सूप बनाना है, बस दो मुर्गे जो हैं वो छोड़ने हैं। तो यहाँ पर इसको बंद करेंगे ना तो फिर नहीं अंदर जाएंगे। अभी देखें साफ़ सुथरा माहौल पड़ा हुआ है और माशाल्लाह उधर से सूरज चेक कर रहे हैं। दिल कर रहा है कि आज बस सारा दिन सूरज को ही दिखाते रहे। ज़ाहिर बात है अब जिस चीज़ का काफ़ी देर बाद दीदार हो तो फिर उसको देखने को भी दिल करता है और दिखाने को भी दिल करता है ना। आ गई हैं मुर्गियाँ, तो चलिए जी अभी हाथ धोते हैं अच्छे से और अपने खाने पीने का कुछ इंतजाम करते हैं। मुंह धो लो। तो अभी जी फजर जो है ना उसको मैंने निकाल दिया है बिस्तर से बाहर, बड़ी मुश्किल से, ये बंदा बड़ी मुश्किल से स्कूल जाता है
तो अब इसका मुंह धुलवाते हैं और इसकी करवाते हैं तैयारी स्कूल के लिए। कल इंशाल्लाह इतवार का दिन होगा, छुट्टी होगी, फिर घर ही होना है ना, खेल कूद होगी। ठीक है, आज स्कूल ज़रूर जाना है। वो बंदा जो है ना कुर्सियाँ ला रहा है, किधर लेकर जा रहे हो? अगी लावण वाला इतफा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी फजर जो बेटी है उसकी तैयारी हो चुकी है और नाश्ता भी इसने कर लिया, और साथ में मैंने इसका लंच जो है ना वो भी बना के दे दिया। रखो मैं हाथ धो के आ रही हूँ। और मोहम्मद सुबान जो है ना वो उधर कुकिंग करने में लगा हुआ है। मैंने फजर के लिए नाश्ता बनाया तो वो कह रहा है कि अभी मैं भी अपना ब्रेड खुद तैयार कर रहा हूँ। मैंने इसको बना के दिया, इसने कवे को दे दिया। आज कवे भी लुट मार कर रहे हैं। ये टोपी पहनो ऊपर। ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। इसका कोट जो है वो धोने वाला है, आज मैं धो दूंगी अच्छे से तो फिर पहन के जाना। इसलिए आज इसने वैसे तो 3 जर्सियाँ पहनी हुई हैं, 2 ऊपर पहनी हुई है, 1 नीचे भी पहनी हुई है। नीचे हाई नेक पहनी। हाँ जी, हाई नेक नीचे पहनी हुई। नीचे ये वाली है ना, ये स्कूल की जो है। इधर आओ, बैग भी धो दे। कल धो दूंगी, कल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा सूरज अगर निकला तो फिर मैं कल इसका बैग भी धो दूंगी, और बाकी यूनिफॉर्म वगैरह कोट आज धो डालूंगी। जो जो चीज़ें डालो बैग, ये लो दस्ताने पहनो। इनके साथ सुबह सुबह नहीं ऐसे मुंह को लगाते हैं, ये अच्छे नहीं होते। उस साथ में पहले ये माल्टा लेकर जाना है। माल्टा? हाँ, तारिक से अभी एक माल्टा भी लेकर आना। फ्रूट भी साथ में लेकर जाएगी, साथ में ये लंच। बनाना लेकर जाऊंगी। बनाना तो है नहीं ना, वो तो बाजार से मिलेगा, फिर वापसी पे बाबा लेके देगा आपको। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह फजर जो है वो स्कूल के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी गई नहीं क्योंकि 1 घंटा मेरे ख्याल में रहता है, 1 घंटे से थोड़ा कम होगा, 45 मिनट रहते हैं। तो हाँ जी, 9:30-10 बजे स्कूल लगता है। तो अभी जो है ये थोड़ा खेल रही है, तो मैंने कहा जल्दी से मैं इसके लिए ना चाय बना लेती हूँ, क्योंकि नाश्ते के बाद चाय जो है वो भी पी के जाएँ, क्योंकि सर्दी होती है इसलिए। माशाल्लाह से चाय हमारी जो है ना वो तकरीबन तैयार हो चुकी है, और अभी इसको हम छान लेते हैं। उतारती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, फजर को स्कूल भेजने के बाद मैंने लगाई मशीन, तारिक साहब के ना ना करने के बावजूद ही मैंने मशीन लगा दी, क्योंकि हर बंदा यही चाह रहा था कि मेरा काम हो जाए, और मैं चाह रही थी कि मेरा हो जाए, और तारिक साहब कह रहे थे कि मेरी गंदम को पानी लग जाए। तो मैंने साथ में मशीन भी चला दी और मोटर भी चल रही थी। तो कुछ कपड़े जो है वो मैंने मशीन पर धोए जो ज़्यादा ख़राब थे, और कुछ कपड़े जो है ये कुट फटाई वाले वो मैंने ऐसे ही धोए हैं, सर्फ़ डाल के ऊपर इनकी जो है ना अच्छे से मुरम्मत भी की है सोटे के साथ। तो अब तारिक साहब ने मैंने मिन्नत की है कि आप जो है ना एक बार मोटर इधर कर दे, मैं अपने कपड़े धो लूँगी, फिर आप जहाँ मर्जी चलाएं। तो अभी मैंने सारे कपड़े जो धो के रख लिए, अब इनको लेकर चलते हैं मोटर पर। हाँ जी, नहीं नहाना आज नहीं नहाना, कल नहाए देना जुम्मे वाले दिन, बुखार हो रहा है आपको, रोज़ नहीं नहाना। तो अब जी ये सारे कपड़े चलेंगे मोटर में और इनको हम अच्छे से धोएंगे, क्योंकि नलका चला चला के तो बंदे की मत बच जाती। तो माशाल्लाह से यहाँ पे मोटर जो है वो चल रही है, और दूसरा पाइप लगा दिया गया है उधर लगाने के लिए ना, यहाँ पे जो है ना काफ़ी बड़े बड़े कपड़े से धोता इनको धो लेते हैं। तो माशाल्लाह आज पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकला हुआ है, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है इसलिए। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह मोटर जो है तारिक साहब ने उधर से बंद करके ये लगा दिया है पाइप। अब इस पाइप के ज़रिए जो है पानी जाएगा उधर वाले खेत को,
तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ से जो है ना थोड़ी सी मिट्टी इधर आ जाए ताकि वहाँ पर भी ऐसा ही नाला चला जाए, क्योंकि इसमें पानी लेकर जाना काफ़ी मुश्किल होता है, उधर ना लगाना पड़ता है फिर ये, और नाले में तो बंदा जैसे ही छोड़ता है वो फिर भागता हुआ चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया, मैंने कपड़े धो दिए, कुछ ये हैं और कुछ अंदर धो के जाके चारपाई पे रख दिए हैं, अभी उनको जाके सुखाने के लिए डालते हैं। आज गवाड़ियाँ भी कपड़े धोते हैं, मैं भी धोते हैं, आज सब की ईद हो गई क्योंकि धूप निकली हुई थी ना इसलिए। ये जी हमारे सारे कपड़े जो है ना वो धुल के आ चुके हैं, अब इनको खुश्क होने के लिए डालते हैं। ये गई शाल, इसको पहले डाल देते हैं और फिर ऊपर जो है ना इसके डालेंगे हम कपड़े। नलके पे छोटे, तो नलके पे छोटे छोटे कपड़े जो हैं वो धोए जा सकते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो फिर मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैंने फिर मिन्नत तरला करके तो मोटर दमूँ इधर कर ही लिया। तो माशाल्लाह से जी आसमान पे हल्के हल्के बादल भी हैं, और तारिक साहब ने हमसे वादा किया था कि आज तो मिठाइयाँ चलेंगी, तो मिठाई तो आपने मंगाई नहीं है ना, आप गए हैं ना, मिठाई नहीं चली तो मैं खुद ही कुछ मीठा बना लेती हूँ फिर, मिठाई ना हो मीठा तो होना चाहिए ना। खांसी लग गई ना, तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो रही है खाने की तैयारी। बीच में काफ़ी बड़ा सारा वक्फा आ गया था क्योंकि जो है कपड़े वगैरह धोए और काम करते करते जो है ना ये टाइम हो गया। फजर स्कूल से अभी वापस आ चुकी है और मैं अब कर रही हूँ अपने खाने की तैयारी। तो आप सब कहते हैं कि आप खाने पीने की वीडियो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें जो अभी खाते पीते हैं। तो आज हमारा प्लान कुछ और था, लेकिन फिर अचानक से जो है ना कुछ और ही प्लान बन गया। हमसायों के पास आए हुए थे मेहमान, तो वो लेकर आए हैं चिकन, तो फिर तारिक साहब ने कहा भाई हम भी चिकन ही मंगवा लेते हैं, तो फिर हमने बच्चों के लिए ना चिकन ही मंगवा लिए। तो देखची जो है ना आज बगैर लेप लगाए क्योंकि सबको भूख लगी हुई है, जल्दी से जो है हम इसमें डालते हैं ऑयल, और मैंने ना इसको चूल्हे पे रख दिया बगैर लेप लगाए। ये असल में मैं ना कहना चाह रही थी कि जल्दी से हमारा खाना जो है वो बन जाए। तो ऑयल थोड़ा सा जो है गर्म हो जाता है, फिर हम इसमें डालते हैं प्याज, और फजर और मोहम्मद सुबान जो है ना वो दोनों खेल रहे हैं। तारिक साहब इनकी ये वाली जो है ना ख़राब हुई हुई है, इसके दोनों जो टायर हैं ना इनकी हवा ना फजर ने निकाल दी थी, एक इसने निकाली एक ही वो हमसायों के बच्चे ने निकाली, उसी को देख के फिर इसने भी निकाल दी, हवा डलवाने वाली है ना इसमें। तो यहाँ पर जी ऑयल हमारा गर्म हो गया, जल्दी से हम इसमें डालते हैं प्याज, और आज हम ना चुटकियों में बनाएँगे बिस्मिल्लाह, क्योंकि तारिक साहब गुस्सा होते हैं कि आप लेट कर देती हैं। क्या हुआ है, आराम से लड़ा, खांसी लग गई ना। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो रही है खाने की तैयारी। बीच में काफी बड़ा सारा वक्फा आ गया था क्योंकि जो है कपड़े वगैरह धोए और काम करते करते जो है ना ये टाइम हो गया। फजर स्कूल से अभी वापस आ चुकी है और मैं अब कर रही हूँ अपने खाने की तैयारी। तो आप सब कहते हैं कि आप खाने पीने की वीडियो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें जो अभी खाते पीते हैं। तो आज हमारा प्लान कुछ और था, लेकिन फिर अचानक से जो है ना कुछ और ही प्लान बन गया। हमसायों के पास आए हुए थे मेहमान, तो वो लेकर आए हैं चिकन, तो फिर तारिक साहब ने कहा भाई हम भी चिकन ही मंगवा लेते हैं, तो फिर हमने बच्चों के लिए ना चिकन ही मंगवा लिए। तो देखची जो है ना आज बगैर लेप लगाए क्योंकि सबको भूख लगी हुई है, जल्दी से जो है हम इसमें डालते हैं ऑयल, और मैंने ना इसको चूल्हे पे रख दिया बगैर लेप लगाए। ये असल में मैं ना कहना चाह रही थी कि जल्दी से हमारा खाना जो है वो बन जाए। तो ऑयल थोड़ा सा जो है गर्म हो जाता है, फिर हम इसमें डालते हैं प्याज, और फजर और मोहम्मद सुबान जो है ना वो दोनों खेल रहे हैं। तारिक साहब इनकी ये वाली जो है ना ख़राब हुई हुई है, इसके दोनों जो टायर हैं ना इनकी हवा ना फजर ने निकाल दी थी, एक इसने निकाली एक ही वो हमसायों के बच्चे ने निकाली, उसी को देख के फिर इसने भी निकाल दी, हवा डलवाने वाली है ना इसमें। तो यहाँ पे जी ऑयल हमारा गर्म हो गया, जल्दी से हम इसमें डालते हैं प्याज, और आज हम ना चुटकियों में बनाएंगे बिस्मिल्लाह, क्योंकि तारिक साहब गुस्सा होते हैं कि आप लेट कर देती हैं। क्या हुआ है,
आराम से लड़ा, हल्के हल्के जो है बादल हैं और मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन आज अल्लाह की नेमत का मेरे ख्याल में सबको बहुत ज़्यादा एहसास हुआ होगा कि इतना सूरज भी निकलता रहे तो वो हमारे लिए काफ़ी है। इतना तो नहीं, खैर आज माशाल्लाह बहुत ही निकले। फजर अभी अदरक और लहसुन जो है वो पीस रही है, तो यहाँ पे हमने प्याज जो है वो जलाए नहीं है, जल्दी से हम इसमें डाल देते हैं चिकन और चिकन को फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि सब ने कहना है कि आप प्याज हमेशा जलाती हो। मेरा मसला नहीं, असल में ना तारिक साहब बेचारे वो इधर उधर हो जाते हैं और कभी वो लकड़ियाँ काटने लग जाते हैं, कभी कुछ करने लग जाते हैं, तो फिर वीडियो को लेट हो जाती है और मेरे प्याज भी साथ में जल ही जाते हैं। मैं इंतज़ार करती हूँ तारिक साहब जल्दी आए वीडियो बनाए, प्याज जल रहे हैं मैं इधर से कहती रह जाती हूँ, फिर उनके आते आते हमारे प्याज जल जाते हैं। आज मैंने कहा कैमरा उठा के खड़े होना, प्याज नहीं जलानी चाहिए। तो माशाल्लाह जी आज हमारे जो है ना तकरीबन सारे काम हो चुके हैं। तारिक साहब के काफ़ी मना करने के बावजूद मैंने ठान ली थी कि मैंने कपड़े धोने ही धोने हैं, क्योंकि बादलों का कुछ पता नहीं चलता। अभी फिर इधर उधर डेरे डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जी चिकन हमारा जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया और अब हम इसमें डाल देंगे ये अदरक लहसुन और साथ में सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। तो अब इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये जी असर की नमाज का टाइम हो चुका है, इसलिए ये भी अपनी अजान दे रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पे हमारा जो चिकन है वो तकरीबन तैयार हो गया, तकरीबन नहीं तैयार हो चुका है। मैंने इसमें डाल दी थी सब्ज़ मेथी जिसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और एंड पे हम इसमें डाल देते हैं जी हरा धनिया, धनिया कर देते हैं। मैं मूलियाँ तोड़ के ले आऊँ सलाद के लिए? ले आएँ सलाद बना के, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा। हाँ जी आज टाइम काफ़ी है, तसल्ली से खा लेंगे। चले जी मैं अभी जल्दी से सालन उतार के रोटी की तैयारी करती हूँ। फजर को लगी थी भूख, इसलिए उसने कहा कि अम्मी पहले मुझे एक दो बोटी जो है वो निकाल के दे दो, तो उसको मैंने निकाल दी है। मैंने कहा साथ ही अभी रोटी जो है वो भी तैयार हो जाएगी और फिर रोटी और बोटी मिला के खाएगी। चलो चार पाए पे बैठो। यहाँ पे रोटी जी हमारी तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या दूँ इसमें? चल फिर चार पाए पे बैठ। आज मोहम्मद सुबान को हल्का हल्का बुखार और खांसी शुरू हो चुकी है, और फजर को भी खांसी। ये फजर का तो ये मसला है, एक तो इसको ठंड का भी है और बाकी ये वहाँ पे जो है ना जाके पैसे लेकर जाती है और चीज़ें अजीब अजीब खाती है। ये लो फजर। आ जा चल बेटा, बाबा बाबा रोटी खिलाएगा बाबा। आई ले बेटी, पिस आराम ना लो। जा सुबान जो है ना इसकी सब के साथ लड़ाई होती है, ये बस कहता है मैं अलग बैठ के खाना खाऊंगा। मुर्गे बड़े तंग करते हैं, जो चीज़ रखो उस पे हमला कर देते हैं। चल चला जा, किस नल बना के रख ले कर मोहम्मद सुबान। चलो इन वक्रे पका दो, छोटी सी बना दो। ये जी अभी छोटी सी मोहम्मद सुबान के लिए बनाते हैं, वो थोड़ा सा नाराज़ होके खड़ा है, तबीयत ठीक नहीं है ना इसलिए। और बड़ी सारी लेनी? अच्छा चलो ठीक हो, बड़ी लेनी है भाई। बुरी बात हाथ नहीं लगाना। ये बाबा को रोटी दे के आओ आप ही को।
नहीं देवनी। चलो भाई लड़क का बंद है और भी मैं दे देती हूँ। ये ले भाई गर्मा गर्म रोटी। शुक्रिया। नहीं देनी। चलो मैंने खुद दे दिए। कभी मुर्गा आ जाता कभी डॉगी आ जाता। सुबान बेचारा कमेंट्री कर कर के थक गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी बस शाम होने वाली है और हमारे खाने पीना जो है वो हो चुका है और ये थी हमारी आज की रूटीन। उम्मीद है कि आपको हमारे आज का जो व्लॉग है वो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह जी मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।